नो मैटर आप लोग कितने अच्छे प्लगइन यूज कर लो, कितने सिक्योरिटी उसमें प्रिवेंशन डाल लो, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी अगर आप। आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कैसे रखना है। देखो, इंसान ना गलतियों का पुतला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद ही गलती करते रहो। कभी कभार हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वही एक्चुअल में समझदार रहता है। तो आज मैं वही चीज़ आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है, वायरस से कैसे सिक्योर करना है, हैकिंग अटेम्प्ट से कैसे सिक्योर करना है। सो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो मेरे पास आप लोगों के लिए ऐसे 11 पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आप लोगों को वर्डप्रेस सिक्योर करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है वो है एक गुड होस्टिंग सर्विस यूज करने का। देखो यार, होस्टिंग सर्विस अगर आप लोग अच्छी नहीं है तो सबसे ज्यादा जो हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं वो होस्टिंग सर्वर पर ही होते हैं। आप लोगों की वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल सही थी, आप लोगों ने वहां पे सब सही किया, लेकिन अगर आप लोगों की होस्टिंग ही बेकार है तो फिर उन सब का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। वो आपकी होस्टिंग के सर्वर पर अटैक करेंगे एंड उसकी वजह से आप लोगों की वेबसाइट भी क्रैश हो जाएगी, आप लोगों की वेबसाइट का डेटा भी करप्ट हो जाएगा। तो एक अच्छा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों ने ब्लू होस्ट कभी यूज़ किया होगा तो ब्लू होस्ट पर भी काफ़ी हैकिंग अटेम्प्ट्स हुए हैं, वो भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हुआ है ब्लू होस्ट। जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट और गूगल ब्लू होस्ट हैकिंग, ब्लू होस्ट सर्वर होस्टिंग हैकिंग। सो अगर आप लोगों को कुछ अच्छी होस्टिंग चाहिए तो मैं होस्टिंग के ऊपर रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मुझे चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और नीचे लिंक्स दे दूंगा मैं आप लोगों को मेरे रिकमेंडेड होस्टिंग के। नेक्स्ट इज एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और एक स्ट्रॉन्ग यूजर नेम को यूज करना। कभी अपना यूजर नेम एडमिन मत रखो, कोई एक अच्छा यूजर नेम रखो और एक अच्छा पासवर्ड भी रखो। नेक्स्ट इज लिमिट नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स। एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है कि आपने एक यूजर नेम ले लिया, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड कॉम्बिनेशंस लगातार ट्राई करते जा रहे हो, तो आप लोगों को वो लिमिट करना चाहिए कि सिर्फ यार 3 बार ही ट्राई हो, उसके बाद एक लॉकआउट लग जाए कि आप अगले 24 घंटे तक लॉगिन नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप एक प्लगइन के थ्रू कर सकते हो, उस प्लगइन का नाम मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगला है चेंज लॉगिन पेज। यूजुअली क्या रहता है, हमारा जो भी वेबसाइट रहती है उस पर हम लोग स्लैश लगाते हैं, wp-admin लिखते हैं और हम लोग उसके लॉगिन पेज में पहुंच जाते हैं। तो वो अब आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, वो लॉगिन पेज ही मत यूज़ करो तो फिर हैकिंग का अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा वहां से। तो इट्स बेटर कि वहां से आप लोग कुछ चेंज कर दो, जैसे स्लैश आपने कर दिया xyz, उसके ऊपर आपका लॉगिन पेज है, तो वो भी आप लोग एक प्लगइन के थ्रू चेंज कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। अगला है डोंट यूज नल्ड प्लगइन्स और थीम्स। नल्ड प्लगइन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और हाँ, उससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग को आई बटन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अपनी प्लगइन और थीम को हर 15 दिन में अपडेट करते रहो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लूपहोल्स रहते हैं जो कि डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोगों को हर 15 दिन में अपनी सारी वर्डप्रेस वेबसाइट के प्लगइन और थीम्स को अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिमूव अनएक्टिव प्लगइन एंड थीम्स। अगर आप लोग किसी थीम और प्लगइन का नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि वहाँ से भी हैकिंग अटेम्प्ट हो सकते हैं। 8 पॉइंट इज कि यूजर रजिस्ट्रेशन शुड बी ऑफ। अगर आप लोग किसी ज्यादा यूजर्स को एंट्री नहीं दे रहे हो, आपका सिंपल ब्लॉग है, तो आप यूजर रजिस्ट्रेशन टर्न ऑफ कर सकते हो, इससे भी हैकिंग अटेम्प्ट को रोका जा सकता है। अगला है रेगुलर बैकअप लेना। बैकअप्स में रेगुलर तो ठीक है आप लोग ले लोगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑफ साइड बैकअप्स होने चाहिए, आपके सेम सर्वर पे बैकअप नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को बैकअप लेना भी आना चाहिए और रिस्टोर भी करना आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग बैकअप्स ले लेते हैं लेकिन उनको रिस्टोर करना नहीं आता है। जैसे होस्टिंगर पर मैंने काफ़ी प्रमोट किया होस्टिंगर पर, तो लोगों को बैकअप्स तो लेना आ जाता है लेकिन उसको रिस्टोर कैसे करना है वो नहीं आता है। तो वो आप लोगों को पहले से ही सीख के रखना पड़ेगा कि कैसे बैकअप लेना है, कैसे रिस्टोर करना है। और वैसे मैंने होस्टिंगर के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिंक से परचेस किया है। आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई बटन वाले वीडियो पर मिल जाएगी। 10th पॉइंट इज टू यूज अ गुड सिक्योरिटी प्लगइन। अभी तक मैं वीडियो पे जितना बोलते आ रहा था कि प्लगइन यूज करो इन सारी चीज़ों के लिए, तो मैं आप लोगों को अभी ऐसे एक दो प्लगइन्स का नाम बताऊंगा जिसको यूज करके आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगेन, अगर आप लोगों की वेब होस्टिंग अच्छी नहीं है तो नो मैटर आप लोग कितने अच्छे प्लगइन यूज कर लो, कितने सिक्योरिटी उसमें प्रिवेंशन डाल लो, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी अगर आप लोगों की होस्टिंग अच्छी नहीं है तो। जो दो अच्छे प्लगइन है वो है वर्डफेंस सिक्योरिटी और आई थीम सिक्योरिटी। तो जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है आई थीम सिक्योरिटी, वो मुझे काफी अच्छा लगता है, और वर्ड
फेंस सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छा प्लगइन है, लेकिन कभी कभार किसी वेबसाइट में वहाँ पर परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस इश्यूज, थोड़ी स्पीड वगैरह आप लोगों की बढ़ रही है, तो इट्स बेटर कि आप लोग आई थीम सिक्योरिटी वाला प्लगइन यूज़ करें। अगला है जो अपने डेटाबेस के टेबल्स है उसके प्रीफिक्स को चेंज करना। यूजुअली हमारे जो वर्डप्रेस के जो टेबल्स रहते हैं वो WP से स्टार्ट होते हैं, तो वो WP को हमें चेंज करना चाहिए। अगर हम लोग चेंज नहीं करते तो SQL इंजेक्शन करके एक हैकिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू हमारा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, तो वो हमें चेंज कर देना चाहिए। और ये भी हम लोग जो मैंने ऊपर जो प्लगइन्स डिस्कस करे उसके थ्रू कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक प्लगइन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना पाऊं जहां पे मैं आप लोगों को ये सारी चीजें एक्शन में यूज करके भी बता पाऊं। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।